ओम साईनाधाय नमः। आज के इस वीडियो में हम पारायण करने के नियम, पारायण करने के समय कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, अगर घर में कोई बीमार है तो उनके तरफ से कैसे पारायण करें, और आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर हम दूर बैठे रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ सामूहिक साई पारायण करना चाहें तो किस तरह आसानी से आप कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो अंत तक बने रहें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। पारायण का अर्थ है किसी भी पवित्र ग्रंथ को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना। साई बाबा की पवित्र ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र, जिसके लेखक श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी अलियास हेमाड़ पंत जी ने लिखा था, श्री साई सच्चरित्र को पढ़ने से मनुष्य की कई परेशानियां, दुविधाएं और स्ट्रेस कम होती हैं। इनका अनुभव आपको साई सच्चरित्र को पढ़ने के दौरान ही हो जाता है। कई साई भक्त अपने प्रश्नों का समाधान भी साई सच्चरित्र के द्वारा प्राप्त कर चुके हैं। इस पवित्र ग्रंथ को आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हैं, जब तक सारे अध्याय खत्म नहीं हो जाते। साई सच्चरित्र को आप वीकली यानी गुरुवार से शुरू करके अगले बुधवार तक 7 दिनों के अंदर भी खत्म कर सकते हैं, और मासिक यानी मंथली भी पढ़ सकते हैं। आपकी इच्छा और सहूलियत के अनुसार श्री साई सच्चरित्र को आप डेली, वीकली या मंथली पूरा कर सकते हैं। चलिए अब साई पारायण के नियम जान लेते हैं। सबसे पहला नियम जो है वो ये है कि साई पारायण हमेशा गुरुवार से ही शुरुआत करनी चाहिए। पारायण शुरू करने के पहले स्नान करके बाबा के आगे साई सच्चरित्र की बुक रखें, क्योंकि साई सच्चरित्र खुद बाबा का ही छवि है। हमें इसे हमेशा स्नान करके ही छूना चाहिए। यहाँ मैं आपको साई सच्चरित्र की हार्ड कॉपी यानी ओरिजिनल साई सच्चरित्र की पुस्तक लेने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि हमें साई सच्चरित्र को गुरुवार के दिन पूजा भी करनी होती है। साई सच्चरित्र की बुक को एक स्वच्छ कपड़े के ऊपर रखकर सामने बाबा की तस्वीर रखें या मूर्ति रखें, और अगरबत्ती जलाकर जिस भी तरह से आप गुरुवार को बाबा की सेवा या पूजा अर्चना करते हैं उस प्रकार आप पूजा कर लें। पूजा खत्म करने के बाद आप पारायण आरंभ कर सकते हैं। बाबा के आगे पारायण करने की अगर कोई खास वजह है उसे बाबा को जरूर बताएं, और आप किस प्रकार पारायण करना चाहते हैं, जैसे हर दिन करना चाहते हैं या सप्ताह या मासिक। आप जिस प्रकार साई पारायण को आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है आप उस प्रकार बाबा के आगे उसका संकल्प ले। पारायण को ठीक से भाग या डिवाइड करें, ये पूरी तरह आपकी सहूलियत और टाइम के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप सप्ताह या मासिक पारायण कर रहे हैं तो आपको उन्हीं दिनों के अंदर चैप्टर्स को पूरा करना होता है। अगर आपके पास साई सच्चरित्र की बुक नहीं है तो मोबाइल में भी गूगल में आपको साई सच्चरित्र टाइप करके भी आपको सारे अध्याय मिल जाते हैं। आप उस तरह से भी साई सच्चरित्र को पढ़ सकते हैं। पारायण प्रारंभ करने के दिन और समाप्ति के दिन बाबा को भोग जरूर लगाएं। बाबा के प्रिय भोग कौन कौन से हैं उस पर मैंने एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो को भी दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिला है, जरूर चेक कीजिएगा इस वीडियो को। इससे आपको पूरी तरह से एक आइडिया मिल जाएगा कि बाबा के प्रिय भोग कौन कौन से हैं। बाबा के पारायण करने के समय पूरी श्रद्धा और कॉन्सेंट्रेशन से पाठ करें। अध्यायों को जल्दी जल्दी खत्म करने के उद्देश्य से कभी न पढ़ें। पंक्तियों को समझें और बाबा को धन्यवाद करें कि आपको बाबा के पारायण करने का मौका मिला। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है जो पारायण नहीं कर सकता है किसी वजह से, आप उनके बदले पारायण कर सकते हैं और उन्हें सुना सकते हैं। सुनने से भी पारायण का पूरा पूरा लाभ मिलता है। अगर आप किसी भी बंधु या परिजन जो
कहीं दूर किसी और शहर में हैं और उन्हें कुछ परेशानी है और आप उनके लिए पारायण करना चाहते हैं या वे चाहते हैं कि आप उनके लिए पारायण करें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप उनकी एक तस्वीर नहीं है तो मोबाइल में भी हो सकता है, फोटो अगर आपके पास हो तो आप अपने पास रखें जब भी आप पारायण कर रहे हैं। इससे भी पारायण का लाभ उन लोगों को मिलेगा। बाबा हमेशा कहते थे कि हमें जो भी कर्म हमने किया है उसे तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन हाँ, अगर आप पारायण करें तो थोड़ी सी इंटेंसिटी, जो भी हमारे तकलीफ है, जो भी परेशानियां हैं, उनकी इंटेंसिटी जरूर कम होगी और आपको अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। ये भी मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहती हूँ कि पारायण हमेशा परेशानियां या कठिनाइयों को दूर करने के लिए नहीं होता। अगर हमें बाबा और उनकी महान जीवनी, उनकी लीलाएं और उनके चमत्कारों के बारे में जानना है तो हमें साई सच्चरित्र का अध्ययन जरूर करना चाहिए। हमसे कई भक्त ये भी पूछते हैं कि अगर हम सामूहिक पारायण करना चाहें बाबा की तो क्या हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, सामूहिक पारायण एक साथ मिलकर एक ग्रुप में बैठकर भी आप पारायण कर सकते हैं। आपको पारायण करने की विधि एकदम सेम है, अगर आप चाहें तो एक दिन में कर सकते हैं, सप्ताह या मासिक। आपको संकल्प लेना पड़ेगा और गुरुवार से पहले वाले दिन यानी कि बुधवार को ही सेलेक्ट कर लें कौन कौन आने वाले हैं और पारायण में हिस्सा लेने वाले हैं। उसी हिसाब से आप चैप्टर्स को डिवाइड करें और अध्यायों को एक एक करके पढ़ें। उस ग्रुप में जो भी पढ़ रहा है वो पढ़ेगा और बाकी लोग उस चैप्टर को या अध्याय को ध्यान से सुनेंगे। तो इस तरह से आप सामूहिक पारायण भी कर सकते हैं। बस कभी भी शुरुआत करें तो बाबा की पूजा अर्चना करके गुरुवार के दिन से ही शुरुआत करें। अभी जो तनाव की स्थितियां हैं, इसके लिए हमें दूसरे ऑप्शंस भी खोल के रखने चाहिए, जैसे कि हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक जगह इकट्ठा होकर पारायण नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, उस समय हम टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करें, जैसे कि जूम मीटिंग हुआ, वीडियो कॉल्स हुआ, जहां आप एक एक करके पाठ कर सकते हैं और दूसरी जगह पर कहीं पर भी हो वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं आपको, एक पूरा ग्रुप मिलकर पारायण कर सकता है। बाबा हमेशा कहते थे कि अगर आप सामूहिक पारायण करें या पारायण जब भी आप ग्रुप में करते हैं तो पूरे एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और हम सबको साई बाबा की आशीर्वाद की प्राप्ति जरूर होती है। साई पारायण बाबा का आशीर्वाद है जिसे हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस मन में श्रद्धा और आस्था की जरूरत है। आशा करती हूँ कि आप भी पारायण जरूर करेंगे और अपने जीवन में बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिखिएगा, हम आपका सवाल पढ़ेंगे और उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओम साईनाथाय नमः।